बांसुरी वादक हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसके बाद आप भी अपनी बांसुरी की सेफ्टी करना स्टार्ट कर दोगे। आपको मेरे हाथ में जो बांसुरी दिख रही है, ये बांसुरी आपको लुकिंग तो इसकी बहुत अच्छी लग रही होगी, मगर जब मैं इसकी वास्तविकता दिखाऊंगा तो आप भी चकाचौंध हो जाओगे। आप सोचोगे ये क्या हो गया। देखिए इस बांसुरी की स्थिति क्या है। अभी देखो ये जो साइड से दिख रही है ना, ये पूरी मेरी जितनी भी बांसुरी की छेद है देखो सबके सब फट गए हैं। यहाँ से भी मेरी बांसुरी डैमेज हो रखी है। मेरी बांसुरी इतनी डैमेज क्यों हुई, इसका कारण पता है आपको? इसका कारण है सर्दी। सर्दी और ये मौसम, उसके कारण क्या होता है, ये बांस खुलने लग जाता है और अपनी बांसुरी डैमेज होने लगती है। इसका क्या समाधान है, कैसे अपन बांसुरी को सही कर सकते हैं या इसे बचा सकते हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आपकी भी बांसुरी फटने से या कटने से एकदम सुरक्षित रहेगी। आपको कुछ एक चीज फॉलो करनी है जो मैं पहले नहीं कर पाया, जिसके कारण मेरी एक इतनी सुंदर बांसुरी फट चुकी है और मेरे को नुकसान हो गया। तो मैं इसका तो कुछ नहीं कर सकता, मगर मेरी जो बाकी बांसुरियाँ हैं उनके लिए मैं अच्छी सेफ्टी कर सकता हूँ। तो आपके पास भी बांसुरी है, आप बहुत महंगी बांसुरी है और आप उसकी केयर नहीं कर रहे, उसकी सेफ्टी नहीं कर रहे सर्दियों के अंदर खासकर, तो आपको वो बांसुरी खोनी पड़ सकती है। तो मेरा नाम है हर्ष भाटिया, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो बात करते ही बांसुरी की सेफ्टी कैसे करें, तो मैं इस बांसुरी को तो रख देता हूँ क्योंकि इस पे आपको सेफ्टी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। आपको मेरी जो नई बांसुरी मैं यूज करता हूँ उस पे कैसे सेफ्टी होती है वो आपको उस बांसुरी पे मैं दिखाता हूँ। तो मैंने ये बांसुरी ले ली है, जिसे मैं आपको बांसुरी के बारे में कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। ये एकदम बिल्कुल अभी तक सेफ है क्योंकि अभी तक इसको कोई डैमेज नहीं हुआ। अब आगे भी इसको डैमेज ना हो, मेरी बांसुरी ऐसे ही अच्छी रहे, अच्छी बजे, कहीं से भी डैमेज ना हो, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी केयर करनी पड़ेगी, इसकी सफाई करनी पड़ेगी और इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके ध्यान रखने के लिए क्या करें ऐसा कि ये वैसी की वैसी रहे, कहीं से डैमेज ना हो, तो मैं आपको इसके बारे में सफाई के लिए बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसको जो सरसों का तेल है उससे आपको इसको साफ करना चाहिए। जब भी आप बजाओ तो उसको साफ करना चाहिए, ये 3-4 दिन में इसको अच्छे से साफ कर लीजिए, जिसके कारण क्या है ये डैमेज नहीं होगी। अब साफ कैसे करना है ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि देखो अब आपको करना क्या है, एक ऐसी कटोरी के अंदर देखो पहले एक ऐसा कुछ बना लो आप, जिसे रुई वगैरह लगा के आप इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो कटोरी, इसके अंदर आप सरसों का या कोई सा भी तेल अच्छा रहे तो सरसों का तेल यूज कीजिए और उसमें अच्छे से आप इसको यूज मिलाइए। मिला के बाद में आपको क्या करना है, जो अपनी बांसुरी होती है पहले सबसे पहले जो होल्स होते हैं ये होल्स पे लगाना है, होल्स पे घुमा घुमा के अच्छी प्रकार से लगाना है। क्योंकि अभी जो मैंने पीछे जो आपको बांसुरी दिखाई है वो बांसुरी क्या हुआ, यहीं से कहीं से डैमेज हो गई थी, तो इसको अच्छे से सब जो छिद्र है उनको आप अच्छे से वॉश कर लो, ठीक है। उनमें अच्छे से लगाना है अपन को, ठीक है। ये जो बांसुरी है उनके छिद्र पे, ये भी आपके में है छिद्र है तो यहाँ पे भी आपको लगाना चाहिए, जिससे आपके देखो ये भी बांसुरी थोड़ी डैमेज होने लगी मेरी, और जो अभी मैंने नहीं खरीदी है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला होल है इसको भी आप कर सकते हो, मगर आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये लगा हुआ है देखो, ये है ना ब्लॉक लगा हुआ है, ये जो है ना इसको टच नहीं होनी चाहिए, तो इसकी आपको सेफ्टी रखनी चाहिए। बाद में क्या करना है, अगर आपने सब छिद्र पे देखो सब छिद्र पे आपने लगा दिया है तो आप अंदर की तरफ इसको घुमाइए, अच्छे से घुमाना है इसको, घुमा के पूरा लगाइए। अब देखिए जैसे मैंने ये बहुत काफी छोटा ले लिया है, तो आपको ये छोटा नहीं लेना, पूरा तक जाए तो वैसे ले सकते हो आप, ऐसे इस तरह पूरी इस तरह एकदम अच्छे से इसको डाल के इसकी सफाई करनी, जिससे आपकी बांसुरी फटे नहीं, ये खासकर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पीछे से भी, पीछे का जो हिस्सा है इस पे भी आप कर सकते हो अच्छी प्रकार से, इसको बस वॉश करके अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे भी आप इसको पूरी तरीके अच्छी तरीके से इसको मालिश कर सकते हो, जिससे आपकी बांसुरी में कोई भी थोड़ा बहुत भी डैमेज आने का चांस रहे तो नहीं आए। वो इस प्रकार से अच्छी तरह से अपनी बांसुरी को वॉश कर लेना है, नहीं तो देखो मैंने तो एक बांसुरी मेरी खराब कर दी है, नहीं तो आप भी अपनी बांसुरी को हाथ धो सकते हो। इसलिए मैंने ये वीडियो उचित समझा कि यार आपके लिए वीडियो
बनाना चाहिए, आपकी बांसुरी को कोई डैमेज ना हो, जैसे मेरी बांसुरी डैमेज हुई वैसे आपकी भी बांसुरी डैमेज ना हो, आप अपनी बांसुरी को सुरक्षित रखें और बच्चों से दूर रखें। अगर हर कहीं पे बांसुरी नहीं रखें, अपनी बांसुरी है, देखो आप बजाते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपनी सरस्वती है अपने लिए, तो अपन इसके लिए बजा रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी भी आपको अच्छी प्रकार से करनी चाहिए। अच्छे से कवर में बजाने के बाद अच्छे से कवर में डालिए, और इसकी नियमित 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 का मतलब कभी ना नियम से आप उसकी सफाई करते रहें। बजाने के बाद भी जो थूक वगैरह चल जाता तो उसको अच्छे से वॉश करें, सही से करें, ठीक है, जिससे आपकी बांसुरी पे डैमेज ना हो। अगर ये मेरा वीडियो आपको कहीं पे भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरे ऐसे वीडियो आपको और मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।